हेलो फ्रेंड्स, जय जिनेंद्र। आज मैं आपको सुना रही हूँ आचार्य भद्रभव स्वामी ने उपसर्ग स्तोत्र की रचना की। उपसर्ग स्तोत्र पढ़ा जाता है जब हम पे कोई संकट आ जाता है। उनकी रचना आचार्य भद्रभव स्वामी द्वितीय ने की थी। और उन्होंने इतना क्यों की, कैसे की? उन आचार्य भद्रभव स्वामी महाराष्ट्र के प्रतिष्ठानपुर नगर में रहते थे और उनके छोटे भाई वरामीर भी उनके साथ रहते थे। एक बार जैन आचार्य आए और उपदेश सुनकर भद्रभव स्वामी को वैराग्य हो गया और अपने छोटे भाई से बोले कि मुझे तो जैन धर्म की दीक्षा अंगीकार करनी है। तभी छोटे भाई वरामीर बोले, हे ज्येष्ठ आर्य, अगर तुम्हें दीक्षा लेनी है तो शक्कर मिश्रित जैसे खीर होती है वो ब्राह्मणों को अच्छी लगती है, तो क्या वह मुझे या अन्य लोगों को कड़वी लगती है? यानी अगर तुम्हें संयम रुचिकर है, संयम पथ में रुचि है, तो मुझे भी संयम लेना है, मैं भी दीक्षा लूँगा। अंततः दोनों भाई ही दीक्षा ले लेते हैं और दीक्षा लेकर आगम का अध्ययन कर रहे हैं। एक दिन ऐसा समय आता है जब गुरुदेव को आचार्य पद देना है। आचार्य पद वे किस है, क्योंकि आचार्य के मन में है कि आचार्य भद्रभव स्वामी को ही, वरामिहिर को आचार्य बनने का गुरूर है कि मुझे ही आचार्य बनाया जाएगा। उन्हें चंद्र प्रगति सूर्य गति ज्ञान है, लेकिन जब गुरुदेव आचार्य के योग्य शब्द श्री भद्रभव स्वामी को बना देते हैं तो वरामिहिर बहुत ज़्यादा ही मिथ्यात्व में चले जाते हैं और अपने 12 वर्ष की दीक्षा श्रमण ली हुई थी उन्होंने, उन्हें छोड़ देते हैं। 12 वर्ष की दीक्षा को छोड़कर वापस गृहस्थ अवस्था में आ जाते हैं और गृहस्थ अवस्था में आने के बाद वरामिहिर ने चंद्र प्रगति और सूर्य प्रगति नाम की विद्याएं प्राप्त कर रखी थी। उससे उन्होंने वराह संहिता नामक ज्योतिष ग्रंथ की रचना की और इस रचना को करने के बाद वह वहाँ के राजमहल में राजा के पास राजपुरोहित के रूप में काम करने लगे और वहाँ के धनी मानी श्रीमंतों पर अपना प्रभाव जमाकर धन ऐंठने लगे और बोलते कि मैं 12 वर्ष सूर्य मंडल पर रहकर आया हूँ, और लोग भी उनके प्रभाव में आने लगे। एक बार आचार्य भद्रभव स्वामी प्रतिष्ठानपुर नगर में पधारे और वहाँ के सभी जन जन राजा नगर सब उनके दर्शनार्थ गए, तो वहाँ पर वरामिहिर को भी ले गए क्योंकि वहाँ पर वो राजपुरोहित के रूप में रह रहे थे राजमहल में। तो जैसे ही वो राजमहल राजपुरोहित साथ में दर्शन करने आचार्य भद्रभव स्वामी के गए तो पीछे पीछे एक राजमहल से एक व्यक्ति आया और आचार्य भद्रभव स्वामी के प्रवचन स्थल पर पहुंचकर राजपुरोहित जी को, जो वरामीर थे उनके छोटे भाई, उनसे बोला कि आपके यहाँ एक पुत्र उत्पन्न हुआ है और वो पुत्र उत्पन्न होने पर राजा जिनके यहाँ वो पुरोहित का काम करता था वो खुशी से झूम उठे और अपनी हार उनको दे दिया गले से उतार कर और बोले कि जो ये पुत्र उत्पन्न हुआ है, चलो वरामिहिर को ही राजपुरोहित को बोले तुम बताओ कि इसके अंदर क्या क्या गुण होंगे और ये कितने इसकी आयु होगी, किन किन विद्याओं में ये निपुण होगा, क्योंकि तुम अपने आप को ज्योतिष आचार्य बताते हो। तो वो बोला कि मेरा पुत्र सौ साल की इसकी आयु होगी, समस्त विद्याओं में निष्णात होगा और 100 साल की इसकी आयु होगी और आपके ही पुत्र के साथ, पुत्रों के साथ वो खेलेगा, सम्मान पाएगा। परंतु वहीं पर बैठे राजा के मन में पता नहीं क्या विचार आया और उन्होंने निमित्त शास्त्री आचार्य भद्रभव स्वामी से भी वही प्रश्न पूछ लिया। और जैसे ही उन्होंने पूछा तो आचार्य भद्रभव स्वामी मौन रहे, क्योंकि साधुओं को कभी भी निमित्त साल से जो भी बात होने वाली है, घटित होने वाली है, वह नहीं बोलनी। पर अत्यधिक आग्रह करने पर उन्हें बताना पड़ा कि आज से 7वें दिन विडाल बालक की विडाल नाम के निमित्त से मृत्यु हो जाएगी। अब वरामिहिर को मन में शंका हुई कि कहीं ये बात सच न हो जाए और उसे मन में कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि यही सत्य प्रति सच होगा, क्योंकि वो शुद्ध केवली ज्ञानी थे और उन्हें सब पता था। तो अंततः ऐसा ही हुआ,
सातवें इष्ट की आशंका वाला सातवां दिन आया और सातवें दिन बालक की मृत्यु हो गई। तो सभी वराहमिहिर को भविष्यवक्ता मानते थे, वे उसे झूठा मानने लगे और उसकी जो ख्याति थी, प्रतिष्ठा थी, सब खत्म हो गई। तो अब वह और भी क्रोधित हो गया और जंगल में चला गया, उपवास करने लगा और भद्रभाव स्वामी को अपना सबसे बड़ा शत्रु समझकर उसे बदला लेने की सोचने लगा। और बहुत सारी उसने तपस्याएं की, कठोर तप करके वो वान व्यंतर नाम का देव बना। और देव बनकर मरने के बाद वो एक देव बना और देव बनकर वो आचार्य भद्रभाव स्वामी का तो कुछ नहीं बिगाड़ सका, परंतु जो गृहस्थी लोग थे, गृहस्थी, उनको उसने बुरी तरह तंग कर दिया। और हाथी पर बैठे हुए लोग भी ऐसा महसूस करते थे जैसे उन्हें कुत्ते काट रहे हों। तो करके वो सभी बहुत ही प्रतापित होते, सभी को बहुत ही संताप दे दिया। सर घर उसने विभंग ज्ञान के जरिए और सब लोगों ने आचार्य भद्रभाव स्वामी से कहा कि आप जैसे श्रमण के होते हुए भी मुझे इतनी ज़्यादा हमें पीड़ाएं सहन करनी पड़ी है। तब आचार्य भद्रभाव स्वामी द्वितीय ने उसघ स्तोत्र की रचना की और उसघ स्तोत्र से सारे वो उपसर्ग स्त्रोत पढ़ने से वान व्यंतर देव के जो उपसर्ग थे वो शांत हो गए। उपसर्ग स्त्रोत इसीलिए रचना हुई, उपसर्ग स्त्रोत को पढ़ने से वाक्य में ही सब प्रकार के कष्ट ठीक हो जाते हैं, कष्ट सही हो जाते हैं।